वहीं मेरठ में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले पाकिस्तान चले जाएं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मेरा स्ट्राइक का जो सबूत मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं? अरे शाहिद मंजूर जो लोकल, सर दिक्कत क्या है सबूत देने? पिछली बार दिया था, पहले जो पहले हुई थी उसमें दिया था। भारत के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने 50 वीर सपूतों को, सैनिकों का खून का बदला खून से लेकर के और हवाई सर्जिकल स्ट्राइक कर करके उनके 250 से ऊपर की संख्या को उड़ा दिया गया। तो मैं ऐसे वीर सपूतों को, पहले तो शहीदों को नमन करता हूं और उनको बधाई देता हूं, जाबाजों को, और धन्यवाद देता हूं अभिनंदन को। अगर मूछें हो तो अभिनंदन जैसी हों देश के अंदर, दुनिया के अंदर। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर से कि जिन्होंने सबूत मांगने की बात की शुरुआत की है, वो सबूत की बात कर रहे हैं, उन वीर सपूतों का अपमान करने की बात कर रहे हैं केवल, और उनको शर्म आनी चाहिए। और उनको अगर सबूत चाहिए उनको, तो जाएं वो पाकिस्तान में रहने लगे जाकर के, और वहीं जाकर के सबूत इकट्ठा करें, वहीं वो काम करें। मैं कहना चाहता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बिल्कुल चले जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को एकदम। कपिल सिब्बल को पाकिस्तान चले तुरंत चला जाना चाहिए, सबूत अगर मांगता है तो। इन सबको पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान जाएं और सबूत ढूंढने जाकर के, और जहां उनके बंकर ध्वस्त हुए, जहां आतंकवादी मरे हैं, वहां उनको ढूंढने जाकर के। वो सेना ये कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हम तो टारगेट अचीव करते हैं, सरकार दे सबूत। तो सरकार क्या सबूत देगी सर? एक सवाल यही है, सरकार आने वाली, सरकार अपना काम, जब सर आंकड़ा ही नहीं है उनके पास तो आप 250 बता दें। सरकार अपना काम समय पर करेगी, समय पर जब आवश्यकता पड़ेगी सबूत भी देगी और आंकड़ा भी देगी, समय आने दीजिए। लेकिन ये आप जो कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो आपने बात कही थी बाल श्रम को लेके, कोई बीच के रास्ते की बात कर रहे थे।